आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंशी किचन में। और छोले की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और पनीर की सब्जी भी बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं छोला पनीर। जी हाँ, पनीर का स्वाद भी आएगा, छोलों का स्वाद भी आएगा, तो बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो आप जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी छोला पनीर। तो छोले पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए छोले। तो ये जो छोले हैं, ये एक कटोरी छोले मैंने रात को गर्म पानी में भिगो दिए थे, और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ एक चक्री फूल और कुछ काले मिर्च, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी, और 1 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे नमक और डालेंगे पानी। तो पानी इतना कि जो छोले वो अच्छे से भीग जाएंगे, उसके ऊपर तक थोड़ा पानी डाल देंगे, और अब इसको तेज आंच पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे, और फिर धीमी आंच पर 5 से 6 सीटी आने तक इसको हमें पकाना है। तो ये लीजिए, 5 से 6 सीटी के बाद हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, और अब हमने बाकी की तैयारियां भी कर ली है। तो ये देखिए, ये हमने काट लिए हैं बारीक प्याज और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ये, और ये मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बना ली है। तो प्यूरी से जो ये सब्जी है उसमें अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। और ये मैंने लिए हैं पनीर, क्योंकि हम बना रहे हैं छोले पनीर, और साथ ही हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो ये मैंने लिया है एक पैन, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और ये गई, ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो ये देखिए, प्याज जो है वो अच्छे से भुन गए हैं, थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। तो प्याज को आप इस तरह से ब्राउन होने तक पकाएं, और अब इसमें हम डाल देंगे ये अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, और अब इसको भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरे, और अब इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। और इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी। तो नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि हमने छोले उबालते समय भी उसमें नमक डाला था। तो ये गया 1/2 चम्मच नमक, और अब इसको हम पकने देते हैं। तो ये देखिए, टमाटो प्यूरी अच्छे से पक गई है, और जो ऑयल है वो रिलीज हो गया है, और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो मसालों में ये गई लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और ये गया थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसको हम ऐसा मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, लगभग 1 चम्मच, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे। तो ये लीजिए, मसाला पककर रेडी हो गया है, और अब इसमें हम डाल देंगे ये हमारे उबले हुए छोले। तो ये गए छोले, और इसको भी हम कर देंगे मिक्स। और अब आप पानी की थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा है, तो मैं साइड में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि हम उबला हुआ पानी अगर डालते हैं तो सब्जी का जो स्वाद है वो बरकरार रहता है। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ा सा इसका स्वाद जो होता है वो कम हो जाता है। तो आप पानी साइड में उबाल लें थोड़ा। तो ये देखिए, सब्जी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दिया था, और अब हम फाइनली इसमें डाल देंगे हमारे पनीर के पीसेस। तो पनीर के पीसेस जो है बिल्कुल हमने ऐसे ही काट के डाले हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा थोड़ा सा
हेल्दी नहीं अनहेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस अब इसको हम 1-2 मिनट तक और पकाएंगे और बस तैयार हो गई है हमारी छोला पनीर। तो ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है अच्छे से, 1-2 मिनट हमने इसको पका लिया है और अब ऊपर से हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और अब इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो इसके साथ आप गर्मा गर्म पूड़ी, पराठे, चावल कुछ भी बना सकते हैं। तो सब्जी को हम रख देते हैं साइड में और फटाफट बना लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो ये गई गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने के लिए। तो चलिए अब पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए करते हैं हम सब्जी को सर्व, गर्मा गर्म सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार सी। तो इसे आप ज़रूर से बनाएं। तो जब भी आप पूड़ियाँ बनाएं या फिर पराठे बनाएं या फिर आप छोले पनीर की सब्जी बनाएं तो उसके साथ आप पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अब हम लेते हैं इस गर्मा गर्म छोले पनीर का मज़ा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।